दुश्मनी किसी और ने शुरू की थी, समस्या किसी और ने शुरू की थी, लेकिन अब खत्म तुम्हारे द्वारा तुम्हारी इच्छा से होगा। मैं आज तुमसे इतना कह रहा हूँ कि तुम जैसा चाह रहे हो ना वैसा होगा, इसलिए सही सही सोच कर ठीक ठीक फैसले लेकर मुझे बताना। तुम जैसा चाहोगे वही अब असलियत में निकल कर आएगा। शुरुआत करते वक्त अच्छा व्यवहार, अच्छी जिंदगी का मौका मैंने सबको दिया था, लेकिन जिन लोगों ने तबाही चुनी है अब उसका अंत करने का समय तुम्हारा है। वो मैं तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ। आज तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कुछ महीनों बाद तुम्हें बहादुर बनकर डट कर चलोगे, और वही मुंह छुपाकर डर कर चलेंगे जो गलत हैं, बुरे हैं, अपराधी हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जिसने बार बार अपराध किए हैं ना, उसके मुख पर उसे याद तो मत दिलाना, लेकिन अंदर ही अंदर उस पर कभी विश्वास मत करना, एक पल के लिए भी नहीं। उसकी एक बात कभी विश्वास मत करना बिना खुद जांचे परखे। और जिसने एक बार भी तुम्हारा नाम नीचा करने की कोशिश की है ना, हो सके तो उसके ऊपर अपना कोई काम कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो एक बार ऐसा कर सकता है ना, याद रखना वो पूरी जिंदगी ही ऐसा रहेगा। और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे जैसे बच्चे मंदिर से मुख मोड़ लेंगे तो ईश्वर पर क्या बीतेगी। इसलिए मालिक तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। तुमने मालिक पर विश्वास किया था, अब वो तुम्हें उसका परिणाम देगा। और पूरे दिन का जो भी अच्छा और बुरा होता है ना, उसे उसी दिन सोच समझ कर मुझसे बातें करके या जिन लोगों के साथ जो भी बातें करनी है वो सब करके उसे उसी दिन निपटा दिया करो। क्योंकि अक्सर ऐसी बातें होती है जब तुम सोते हो पर ठीक से तुम्हें नींद नहीं आती, ना जाने कैसे सपने देखते हो, ना जाने कैसे सोते हो कि सुबह उठकर भी तुम्हें वो ताजगी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये कारण है तुम्हारी चिंता का, अत्यंत चिंता करते आए हो। और अक्सर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि एक परेशानी जा रही है तो दूसरी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ से चिंता थोड़ी ज्यादा है। तुम बस थोड़ा शांत रहा करो और अपने नए दिन की शुरुआत अच्छे से करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।